मेरी मम्मी ने बोला था कि तुमने पैसे कहाँ दिए हैं, तो मैंने बोल दिया कि मैंने ड्रीम इलेवन पे दिया है। तो मेरे घर में जब पापा लोगों ने सुना कि ड्रीम इलेवन पे, अब उनको तो ये पता था कि वो एक जुआ है या जुए का अड्डा कह सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस समय मैं अपने रूम में बैठा था, तो थोड़ी देर बाद मम्मी ने बोला कि जाके फीस जमा कर लो, और मेरे कोचिंग जाने का भी टाइम हो रहा था। तो उस समय मम्मी ने कुछ पैसे दिए थे मुझे कोचिंग की फ़ीस जमा करने के लिए, लेकिन मैंने वो पैसे कोचिंग में ना देकर मैंने ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट किया कि मैं कुछ और पैसे अर्न कर लूँगा जिससे कि मेरे घर में कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन मैंने बिना जानकारी के वो इन्वेस्ट किया था, इसलिए मेरा पैसा लॉस आ गया था। ड्रीम इलेवन ने प्रॉफिट दिया है क्योंकि मैंने उसी से अपने भाई की पढ़ाई मतलब जी पूरी करवाई है। दोस्तों, ड्रीम इलेवन से कौन पैसे नहीं कमाना चाहता, कौन फर्स्ट प्राइज नहीं लाना चाहता है। आज हम आपको एक ऐसे युवक के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे युवक से मिलाने वाले हैं, परिचय कराने वाले हैं जिन्होंने ड्रीम इलेवन में पूरा इतिहास रच दिया है। भाई, ड्रीम इलेवन में फर्स्ट प्राइज यानी कि 1 CR कौन नहीं विन करना चाहता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को दोस्तों 1 करोड़ वाली प्राइज विन करनी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक लाई हुई है। इनका क्या नाम है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, पूरी जानकारी 1 to Z आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको मिलाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर के अभिषेक कुशवाहा जी से। अभिषेक जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दीजिए ताकि इनका आपसे एक परिचय हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हूँ। तो अभिषेक जी, मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि शुरुआत में आपको ड्रीम इलेवन के बारे में पता कहाँ से लगा, कहाँ से आपने सुना कि ड्रीम इलेवन नाम का एक ऐप होता है। मैंने तो पहले यूट्यूब पर बहुत बार एप्लीकेशन के बारे में एडवर्टीजमेंट देखा, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी पैसे कमाना चाहिए। तो मेरे कई सारे दोस्तों ने भी इस्तेमाल किया था, तो मैंने भी इस्तेमाल किया जी। तो पहली बार तो मुझे नुकसान हुआ, लेकिन जब 2-3 बार अनुभव हुआ तो मैंने भी पैसे बहुत कमाए। अच्छा, यानी कि मतलब यूट्यूब में ऐड के माध्यम से या कुछ दोस्तों के माध्यम से आपने सीखा? हाँ, कुछ दोस्तों के माध्यम से, कुछ अपनी जानकारी से। अच्छा, पैसे कमाए हैं। यानी कि जानकारी आपको लग गई थी कि ड्रीम इलेवन से पैसे आते हैं? हाँ, जानकारी तो लग गई थी क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मेरे पैसे कमाए थे, तो मैं अच्छा, क्यों पीछे रहूँ। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो अभिषेक जी, लगभग कितने सालों से आप ड्रीम इलेवन में हैं, लगभग कब से आप ड्रीम इलेवन आप खेल रहे हैं? ड्रीम इलेवन में लगभग 2 साल से खेल रहा हूँ और अच्छा खासा मैंने पैसा अर्न किया हुआ है जिससे मैं अपने फैमिली वाले को भी मतलब फैमिली में भी मदद कर पाता हूँ। तो अभिषेक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि जो अमूमन लोग वीडियो देखते हैं, अधिकतर लोगों को ड्रीम इलेवन में आने के बाद भाई काफ़ी लॉस हो जाता है क्योंकि पता नहीं रहता कैसे टीम बनानी है, कैसे विन करनी है। तो क्या आपका भी कभी लॉस हुआ है इससे पहले, या तो आपने कभी लॉस नहीं किया सीधा विन करना चालू कर दिया है, और लॉस हुआ भी है तो कितने तक का लॉस आपका हुआ है? तो जैसे कि आप लोग जानना चाहते थे कि मेरा कितना लॉस हुआ है, तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपये। तो मैंने बिना किसी जानकारी के मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, तो वो मेरे पैसे पूरे ही डूब गए थे। तो 2-3 बार मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा कि कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो जानकारी मिली। तो 1-2 बार और भी लॉस हुआ, लेकिन 2-3 बार में ही मेरा वो पैसा रिकवर हो गया। अब हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले ही मेरा पैसा लॉस हुआ था, लेकिन आज ही के दिन वो पैसा रिकवर हो चुका है। अच्छा, यानी कि जितना लॉस हुआ था उसको आपने रिकवर कर लिया? हाँ, जितना भी मेरा पैसा लॉस हुआ था मैंने रिकवर कर लिया, और उसके एक्स्ट्रा भी मैंने रिकवर कर लिया है पैसा। अच्छा, तो कितना लगभग आपका लॉस हुआ है लगभग जब से आप खेल रहे हैं? मेरा लगभग अभी तक में 40 से 50 हज़ार तक लॉस हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभिषेक जी ने बताया कि जब से वो ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं यानी लगभग 2 साल से आप ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया अभिषेक जी का लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि इन्होंने बताया शुरुआत में उस हिसाब से नॉलेज नहीं थी, क्योंकि दोस्तों से पूछ के भाई साहब ने शुरू किया था, तो भाई वो हिसाब से जानकारी नहीं मिल पाती है बिगनर्स को। और शुरुआती में जैसे कि इन्होंने अधिक अमाउंट लगा दिया, 10,000 आपने बोला ना, अभी 10,000 अमाउंट इन्होंने लगाया, और 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद लॉस होना चालू हो गया। तो अभिषेक जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ड्रीम इलेवन में आने के बाद लगभग 99% जो ऑडियंस है, जो लोग वीडियो देखते हैं, सब लोग GL विन करना चाहते हैं, ग्रैंड लीग, बड़ी बड़ी लीग खेलना चाहते हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट विन करना चाहते हैं। तो क्या यह सही है जो लोग शुरुआती हैं जिनको ड्रीम इलेवन के बारे में पता नहीं है उनको ग्रैंड लीग खेलना चाहिए, या तो छोटे छोटे लीग को स्टार्ट करना चाहिए? और क्या आपने भी आते ही बड़ी लीग चालू की थी कि छोटी लीग से शुरुआत की थी? वैसे गाइस, मेरा तो मानना यह है कि शुरुआत में छोटा गेम ही खेलो, क्योंकि अगर पहली बार में ही आपको बड़ा नुकसान हो गया तो आप लोग
जाहिर कोई भी है नहीं बर्दाश्त कर हो जाएगा भाई यार। अगर शुरुआत में 150 तक अगर आप खेलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार में जो 10,000 रुपये खेला था तो मेरा नुकसान हुआ था, लेकिन अब अगर मैं छोटा अमाउंट भी खेलता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप छोटे अमाउंट से चालू करिए, और बड़ा अमाउंट अगर आप लोग खेलते हैं तो रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क नहीं रहेगा तो मज़ा भी नहीं आएगा लाइफ में। और रिस्क तब रहेगा जब भाई आपको अगर जानकारी है कि कैसे विन किया जाता है, तो आप लोग आराम से जीगल खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे भी कुछ टाइम के बाद हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है, तो बिना जानकारी के पैसे कहीं मत लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी अभिषेक जी आपने, क्योंकि मैं भी अपने व्यूअर्स को लगातार यही बातें बोलता रहता हूँ कि भाई पहले जान लीजिए कि आपके पास ग्रैंड लीग जीतने की स्किल है कि नहीं है। भाई मान लिया आपने टीम बना दिया, अब कैप्टन किसी और को बना दिया, वाइस कैप्टन किसी और को, वो जाके परफॉर्म नहीं कर पाए तो लॉस ही तो होगा, है ना, जाहिर सी बात है। इसमें भी ध्यान देना पड़ता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे चुनना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी बर्बाद जरूर कर देगी, जो कि आगे चल के आपको नुकसान ही होगा। और घर से भी सुनते रहेंगे कि कहाँ पैसे लगा दिए, क्योंकि जानते तो हम हैं कि पैसे कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन पैसे तो उनके ही लगा रहे हैं, तो उनको भी पूछने कहा गए। अमूमन गांव तरफ लोग ड्रीम इलेवन को सट्टेबाजी या जुआ ही बोलते हैं। हाँ, ड्रीम इलेवन को तो सट्टा कहते ही हैं, लेकिन जो इसे समझ लिया तो उसके लिए ये सट्टा नहीं है, उसके लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे मेरे लिए बन चुका है, तो अब मैं पार्ट टाइम में ड्रीम इलेवन भी करता हूँ। तो बहुत अच्छी जानकारी दी अभिषेक जी आपने कि मतलब जब आपको ड्रीम जोन के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो ये एक प्रकार से आपको सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, इससे आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं। आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं। जी जी, तो अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि भाई टीम कैसे बनाएं, कैसे हम अपना कैप्टन वाइस कैप्टन चुने, भाई बहुत लॉस होता है, एक दिन में कितनी टीम बनानी चाहिए, और ड्रीम इलेवन में ऐसी क्या मिस्टेक जो लोग बिगिनर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि भाई बताने में कोई शर्म नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भाई घर का पैसा लेकर ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट कर देना काफ़ी बड़ी बात है। जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसको ड्रीम इलेवन में बहा देना, क्योंकि भाई बह ही जाता है अगर विन नहीं हुआ तो ये चीज़ें काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो ड्रीम इलेवन में कैसे हम विनिंग टीम बनाएं कि जिससे हमारी टीम विन कर जाए, तो इसके बारे में आप अपनी सीक्रेट ट्रिक और स्ट्रेटजी आप बताइए। तो कभी भी टीम बनाने से पहले तो जिसे भी आप वॉइस कैप्टन या कैप्टन लेते हैं, पहले उसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि वो परफॉर्म कैसे करता है, या 2-3 साल में उसने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके बाद ही आप किसी निर्णय पर आए तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा, क्योंकि बिना जानकारी के अगर आप कुछ भी करते हैं तो लॉस निश्चित है, लेकिन आप जानकारी लेकर करते हैं तो आपको भी थोड़ा अनुभव होगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी। अगर आप एक अनुमान से करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलती कहाँ कर दी है, क्योंकि तुक्का आदमी बोलते हैं ना कि तुक्का वाली टीम बना दो, तुक्का काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और जानकारी लेके करेंगे तो प्रॉफिट होगा आपको, जैसे मुझे होता है वैसे सबको होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का भ्रम बोलें या तो उनकी हैबिट बन चुकी है, सोचते हैं एक दिन में 20 टीम बना दो, 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके 20 टीम 25 टीम बना दो, एक टीम तो रैंक 1 आ ही जाएगी। तो क्या ये जो तुक्केबाजी है, लक के ऊपर डिपेंड, ये चीज़ें सही हैं या तो ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए लोगों को, और स्ट्रेटजी और ट्रिक के माध्यम से टीम बनानी चाहिए, आप इस पर क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि एक दिन में जो आप 20 से 25 टीम बना रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक या दो बार भी बनाते हैं तो बिना जानकारी के आप ना बनाएं। जी। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आंख मूंद कर भी 20-25 बार लगा सकते हैं, पैसे हैं। हाँ, तो कोई लेकिन अगर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो मुमकिन नहीं है, तो आप एक या दो पर ही दिन भर में लगाइए, लेकिन पूरी जानकारी के साथ आप कंफर्म रहें कि हाँ जीतेंगे। हाँ, मतलब एकदम एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप जीतते नहीं भी हैं तो कम से कम आपका जो पैसा लगा है वो तो वापस आ जाए, क्योंकि उतने पैसे कमाने में ही बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल भाई, खासकर जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं उनके लिए तो और ही अच्छी एडवाइस है। हाँ, वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली वाले तो दो दो पैसे करके बचाते हैं, और अगर आंख मूंद के कहीं भी पैसे लगाएंगे तो ये पूरे तरीके से गलत है। वैसे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन अब सभी लोग, अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई, तो ये सभी चीजें आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और अभिषेक जी ने जो जानकारी बताई है कि आप लोग एक दिन में 25 टीम ना बना के 1 से 2 टीम बनाइए, लेकिन ऐसी टीम बनाइए कि जो विनिंग कर जाए, ना कि 25 टीम ऐसी फालतू बना दीजिए कि सभी लॉस में चली जाएं, तो ये चीज़ें भाई
होती हैं, इन चीज़ों को आपको जानना समझना पड़ेगा। अच्छा अभिषेक जी, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि इंडिया में ही बात करें, अधिकतर लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, तो ड्रीम इलेवन जैसे कि आपको पता है कई सारी लीग होती हैं, फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, तो क्या आपने ड्रीम इलेवन में आने के बाद इन सभी टीमों में कभी मतलब लीग में टीम बनाई है, या तो आपने सिर्फ क्रिकेट को ही मतलब चुन के रखा है अभी? वैसे तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ क्रिकेट में ही ध्यान देता हूँ क्योंकि और गेम मुझे नहीं पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि क्रिकेट में ही ज़्यादा जानकारी है और किसी चीज़ में लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको भाई पता भी रहेगा क्रिकेट के बारे में, जिसके बारे में जानकारी हो उसी के बारे में और जानकारी लीजिए ज़्यादा ठीक है, इधर उधर से लेंगे तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस समय मैं अपने रूम में बैठा था, तो थोड़ी देर बाद मम्मी ने बोला कि जाके फीस जमा कर लो, और मेरे कोचिंग जाने का भी टाइम हो रहा था, तो उस समय मम्मी ने कुछ पैसे दिए थे मुझे कोचिंग की फ़ीस जमा करने के लिए, लेकिन मैंने वो पैसे कोचिंग में ना देकर मैंने ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट किया कि मैं कुछ और पैसे अर्न कर लूँगा जिससे कि मेरे घर में कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन मैंने बिना जानकारी के वो इन्वेस्ट किया था इसलिए मेरा पैसा लॉस आ गया था, लेकिन कोचिंग में मैंने फ़ीस नहीं जमा किया था, तो मेरे घर से फिर फ़ोन गया मेरे पापा के पास, तो मेरे पापा को पता चला कि मैंने फ़ीस नहीं जमा किया है, तो मुझसे आके पूछे और मुझे काफ़ी मारे भी, घर में भी डांटा गया कि फालतू में तुम गलत जगह मतलब पैसे लगा दिए हो, और मेरा फ़ोन भी मतलब ले लिए थे, तो मैंने अपने दोस्त से बताया तो उसने बोला कि ठीक है तुम एक बार फिर से जानकारी लो और मदद मैं करूँगा, तो मैंने जानकारी ली थी दोबारा, लेकिन उसके बाद भी मैं लॉस में गया था, मेरे घर में फिर से पता चला था, तो घर में इस बार मुझे बहुत मारा गया था क्योंकि मैंने गलत काम किया था, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ पे पैसा लगाया था जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हालांकि अब तो मेरी लाइफ सही है लेकिन उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रगल मतलब करना पड़ा था। मेरी मम्मी ने बोला था कि तुमने पैसे कहाँ दिए हैं, तो मैंने बोल दिया कि मैंने ड्रीम इलेवन पर दिया है, तो मेरे घर में जब पापा लोगों ने सुना कि ड्रीम इलेवन पे, अब उनको तो ये पता था कि वो एक जुआ है या जुए का अड्डा कह सकते हैं, तो मुझे उसके लिए भी डांटा गया था, मारा भी गया था क्योंकि तुम जुआ खेलोगे क्या, हमने यही संस्कार दिए हैं, तो मैंने भी बताया कि मम्मी ये जुआ नहीं है, ये एक पैसा कमाने का तरीका है, या किसी भी तरीके से मैं अपने घर की मदद करना चाहता था, तो जब तक मैं उन्हें बता पाता तब तक मैं अच्छा खासा मतलब मार खा चुका था, अब बताना तो नहीं चाहिए जी, जी, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि अगर दोस्तों को पता चल गई तो, क्योंकि उनकी पिताजी की माताजी की जनरेशन अलग थी, तभी ड्रीम इलेवन जैसा कुछ था नहीं, हाँ उस समय तो ये एक सट्टा ही था, लेकिन आज इस समय ये ड्रीम इलेवन एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया है कि हर कोई इसे इस्तेमाल करना चाहता है और इससे आप लोग प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी अभिषेक जी आपने, क्योंकि ड्रीम इलेवन को अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, गांव तरफ सट्टेबाजी का ही नाम दिया जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहती कि भाई ड्रीम इलेवन क्या चीज़ है ना, लेकिन हम और आप जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि ड्रीम इलेवन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस पे काम करता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अब ड्रीम इलेवन से आपकी जो रेगुलर इनकम है, क्या अब आप रेगुलर इनकम ड्रीम इलेवन के बेसिस पर चल रहे हैं कि आप पूरी तरह से ड्रीम इलेवन पे ही डिपेंड हो गए हैं? पहले तो मैं स्मॉल लीग मतलब इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, उसमें रिस्क कम रहता है, क्योंकि कंपटीशन, हाँ क्योंकि कंपटीशन बहुत रहता है, और बिग लीग में उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर काफ़ी करोड़ लोग मतलब उसमें टीम बनाते हैं और उसमें एक दो लोग जीतेंगे तो ये पॉसिबल, उसमें आप नाम आए ये तो लाखों में लगभग इम्पॉसिबल है, आपके पास अभी नॉलेज नहीं है भाई उस लेवल की, सबको आप लोग काट के जानकारी नहीं है, लेकिन अगर डेली इनकम की बात की जाए तो स्मॉल लीग से ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि उसमें रिस्क कम रहता है, प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा रहता है उसमें, और उससे आप डेली इनकम भी आप अच्छी खासी कर सकते हैं। और 3 से 4 महीने बाद मैं एक ग्रैंड लीग मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि उसमें मुझे प्रॉफिट दिखता है, लेकिन जानकारी के बाद ही जी जी। करते हैं। तो अभी के हिसाब से आपकी आप ड्रीम इलेवन पे ही डिपेंडेंट है, पूरा खर्चा आपका ड्रीम इलेवन से ही चल रहा है? अभी तो ड्रीम इलेवन पे ही डिपेंड है, बाकी बाहर मतलब कुछ अन्य बिजनेस, हाँ, अन्य बिजनेस भी है जी जी। घर में ही ड्रीम इलेवन ने प्रॉफिट दिया है क्योंकि मैंने उसी से अपने भाई की पढ़ाई मतलब पूरी करवाई है। अभिषेक जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने जो जानकारी, जो सीक्रेट टिप और जो स्ट्रेटजी आपने हमारे व्यूवर्स को बताई है, आई होप काफी वो हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको भी इस तरह की
इंटरेस्टिंग। और भाई आपको जानना है कि जो स्ट्रेटजी टिप्स ड्रीम इलेवन विनिंग के लिए क्या होती है, उसके लिए चैनल से जुड़े यार, सब्सक्राइब करें, बिल नोटिफिकेशन ऑन करें, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो चलाते रहेंगे। और फिर से अभिषेक जी से फिर मुलाकात हो गई, अभिषेक जी आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, और मैं एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ फिर से हमारे चैनल पर, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। मैं बता दूँ हमारी अभिषेक जी की ईमेल के थ्रू चैटिंग हुई थी कि भाई वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।